हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, जो कि आज की बात करें तो लोअर सर्किट आज से लगना शुरू हो गया है। सो गाइज, इसके पीछे रीजन क्या है वो हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। आज इसने बाउंड्री हाई भी टच किया है, सो भाई एक नया बाउंड्री हाई भी बनाया है। इसमें पूरा डिस्कशन, पूरा एनालिसिस इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। सो गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। सो गाइस, हम स्टार्ट करें तो आज इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया है। 51.40 रुपए इसका आज का लो है। हाई की बात करें 53 रुपए इसका आज का हाई है। बाउंड्री हाई की बात करें 54.10 रुपए इसका बाउंड्री हाई है। लो की बात करें 2.70 रुपए इसका बाउंड्री लो है। मैक्सिमम की बात करते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो गाइस इसका जो प्राइस हुआ करता था करीब करीब 60 रुपए 61 रुपए के आसपास जैन 2008 में, और अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन वही है जो कि उस टाइम पर थी। और काफी चांसेस हैं, काफी हाई चांसेस हैं कि जो ये इसका मैक्सिमम है उसको क्रॉस करे, काफी बड़े चांसेस है अभी एट प्रेजेंट अगर टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर इसके एक महीने की बात करें तो काफी बड़ा जंप इसमें देखने को मिला है, 19.80 रुपए से लेके जो कि अभी जो कि 54.10 रुपए तक ऊपर गया था। अगर 6 महीने की बात करें तो गाइस आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा जंप यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सो गाइस, काफी जबरदस्त कंडीशन में है अभी एट प्रेजेंट। अगर बात करें इसके एनालिसिस की बात करें तो काफी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर इसके हम शॉर्ट एनालिसिस की बात करें, स्ट्रेंथ में नो स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेस है, 2 अपॉर्चुनिटीज है एंड एक थ्रेट भी है। सो गाइस, अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, राइजिंग नेट फ्रॉम एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूवेशन फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेस। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, नियर 52 वीक हाई, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। स्टॉक की बात करें, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी वीकनेस की तो 4 वीकनेस भी है। रेड फ्लैग्स कंपेयर्ड पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग, नेगेटिव ब्रेकडाउन थर्ड सपोर्ट, बुक वैल्यू पर शेयर डिटोरेटिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, हाई वॉल्यूम टॉप गाइड यूजर्स सो गाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें ओवरसिटीज की, हाईएस्ट वीक लो जो कि काफी मिनिमम हुआ करता था 52 वीक लो 52 वीक, 2.70 रुपए से जो कि 54.10 रुपए तक इसने मार्केट में जंप किया है, तो काफी बड़ा जंप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेंड की बात करें, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन फॉर इनकम, एंड आज की बात करें तो इसमें सेलिंग काफी जबरदस्त हो रही है इवन आज, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा रही हो, क्योंकि काफी जो अगर बात करें शेयर की तो गाइस काफी बड़ा जंप ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हो। क्यों बताया, पहले भी बताया आप लोगों को कि गाइस एटलीस्ट जब इसका कोई भी शेयर जो कि ऑफकोर्स जो कि 100% हो जाए तो थोड़ा सा इतना तो हमें निकलता चाहिए, ताकि हमारा जो कि इक्विटी जो लगा हुआ है, जो पैसे लगे हुए हैं वो हमारे जो कि निकल के सेफ हो जाए, उसमें कोई भी रिस्क ना हो, जो प्रॉफिट हो वो हमारा उसमें रहे, ताकि अब ऊपर जाए। ऑफकोर्स जो कि हम ऐसे ही चाहेंगे कि एक अच्छा शेयर ही हम अपने पोर्टफोलियो में लंबे टाइम के लिए रखें, वो तो नो डाउट कि ऐसा ही होना चाहिए। एंड अगर इसकी बात ऑफकोर्स इस चीज को लेके अभी पैनिक भी फैल सकता है कि अभी ये काफी नीचे जाएगा, तो हो सकता है नीचे भी जाए, 40 रुपए तक भी जाए, 35 रुपए तक भी जाए, बट गाइज पैनिक में मत ये चीजें मत बेचें, क्योंकि काफी बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करके रखें, जो सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट अगर टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र की है उसको देखते हुए हमें इसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहिए, ऑफकोर्स रखना चाहिए। अगर आपको ये लगे कि आप रिस्क में हैं तो थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं पैसे, सपोज आपने 1000 शेयर ले रखे हैं इसके, तो 200-300 शेयर निकाल सकते हैं और अपनी इक्विटी जो कि लगा रखा है, जो पैसा लगा रखा है वो आपका सेफ हो जाए, और जो रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका जो कि प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट ही लगा हुआ होगा वहां पर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी जो कि
एट प्रेजेंट अगर इसके सेंटीमेंट की बात करें तो गाइस सेंटीमेंट जो कि 93% बाय का 4% सेल एंड 3% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। सो गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके जो कि रिजल्ट की तो क्वार्टरली अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में काफी डाउनफॉल भी देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर एक जंप भी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो गाइस नेट प्रॉफिट में जो कि ऑफकोर्स कंपनी लॉस में है, बट इसने लॉस काफ़ी कम किया है मार्च क्वार्टर में। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें जो कि इसकी जो होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग जो कि 74.36% होल्डिंग इसमें नजर आ रही है। और एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी गाइस, एक साल से जो कि प्रमोटर ने बिल्कुल स्टेबल स्टेबिलिटी यहाँ पर जो कि अपनी होल्डिंग में बनाए हुए, इवन एक पॉइंट समथिंग परसेंट भी शेयर इसने स्टेक इसने काफी चांसेस हैं ऊपर जाने के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पब्लिक की बात करें तो 25.62% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है। एंड ऑफकोर्स जो कि अदर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी एंट्री 0.01% के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। ये काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि मार्च क्वार्टर इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर एंट्री ली थी। एंड इसके अलावा नए अवतार के साथ ऑफकोर्स जो कि नए अवतार के साथ आरटा टेलीविजन सर्विसेज लिमिटेड के नाम जो कि ऑलरेडी स्मार्ट ग्लो के नाम से एक ऐप भी निकाल चुका है। एंड ऑफ कोर्स एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जो कि स्मार्ट फ्लो जो कि वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रही है अभी एट प्रेजेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर SME सेक्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स उसका जो पूरा हैंडलिंग है वो टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज करेगा, जो कि एक ऑफकोर्स नया अवतार ऑलरेडी जो कि एक वेबसाइट जो इसकी वेबसाइट है उसको भी मैंने बताया था जो कि ऑलरेडी अपडेटेड हो चुका है। तो नया अवतार है टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज जो कि ऑफकोर्स काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहा है अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें शेयर मार्केट की तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुपर ऐप की बात करें तो गाइस चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं जो कि ऑफकोर्स मैंने एक कुछ न्यूज सुनी है कि हो सकता है दिसंबर तक ये सुपर ऐप भी लॉन्च की जाए। तो गाइस जैसे ही सुपर ऐप लॉन्च होगी एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है टाटा टेलीविजन सर्विसेज में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अभी सुपर ऐप के लिए हो रही है, लाइक अगर बात करें जो कि क्योरबिट की बात करें, 1MG की बात करें, पिक बास्केट की बात करें, काफ़ी सारी एक्विजिशन स्टेक होल्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। एंड सुपर ऐप का जो पूरा टेक्निकल सपोर्ट है वो पूरा टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के पास है, जो कि एक नया अवतार ऑलरेडी ऑफकोर्स मैंने पहले भी बताया है एक नया अवतार ऑलरेडी बन चुका है। सो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, हो सकता है एक फ्यूचर है इसका वो काफ़ी ब्राइट है और लंबे टाइम के लिए एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज, जिसको TDML के नाम से भी जाना जाता है, TDBS TDML के नाम से। सो गाइस होल्ड करके रखें। एंड आप रिस्क है कि आप रिस्क में हैं तो आप इतनी इक्विटी निकाल सकते हैं ताकि जो आपकी लगाई हुई इक्विटी निकल जाएगी तो आपका रिस्क जो कि बहुत ही कम हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा पैनिक में मत रहें, क्योंकि पैनिक में आप लॉस मत खाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो भी व्यूअर हैं किसी को भी लॉस हो। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।